डॉक्टर हरबान सिंह, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का सिक्स्थ और लास्ट पार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले वाली जो स्टेजेस थी वहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरी जो चीज़ें वो तैयार हो गई थी। स्टेज थर्ड में स्क्रूटनी होगी और डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर स्क्रूटनी से तात्पर्य है कि कंपनी ने जो भी क्लॉज बनाए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, वो एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है अथवा नहीं। यहाँ पर ये चीज़ स्क्रूटनी के अंतर्गत आएगी। अगर वो सही पाए जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका प्रोसेस दिया हुआ है, और अगर उनमें कुछ करेक्शन है तो उनमें उनको बोल दिया जाएगा कि ये करेक्शन है जो कि प्रोविजंस के साथ सूटेबल नहीं है, तो उनमें करेक्शन आप कर दीजिए। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। सभी डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे ये भी है कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के तहत मान्य हैं, उनमें किसी प्रकार की नीतिगत खामी नहीं है, तो फिर उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने का जो प्रमाण पत्र है वो, और कंपनी का एक पर्टिकुलर नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कंपनी बन गई है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे प्रिलिमिनरी तौर पर हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंपनी है वो एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के रूप में उभर के आएगी, उसका एक डेफिनेट नाम होगा, वो कॉम्पिटेंट हो जाएगी बीइंग अ कंपनी की तरह, बीइंग अ कंपनी वो सारे फंक्शंस को एक्सरसाइज कर पाएगी, जो डेली बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको स्टार्ट कमेंस कर पाएगी कंपनी, क्योंकि उसका एक ये गुण भी है परपेचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लायबिलिटी के साथ में है, वो टाइप्स में आ जाएगा, वो लिमिटेड लायबिलिटी है या जो भी उसका टाइप है, उसके बाद में उसकी अपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, मेंबर से अलग, उसके प्रमोटर से अलग। कंपनी स्यू कर सकती है, आउटसाइडर कंपनी को स्यू कर सकता है, सूट फाइल कर सकते हैं। कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा कि कंपनी के लिए जो मेंबर्स हैं वो काम करेंगे और उनकी जो भी परिसीमाएं हैं उनके अंतर्गत वो रहकर काम करेंगे। एक बात यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब उसको मिल गया है तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, अनलेस अदरवाइज, जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस ना हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे जो टर्म है बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वो कंपनीज एक्ट में उसके लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही ये सारी प्रोसीडिंग होगी। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो सिक्स्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है।